नमस्कार दोस्तों, हेल्पफुल चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मेरा टॉपिक है कि हम लोग जानेंगे कि अपनी कुंडलियों को आप देख लीजिए तो विवाह किस दिशा में होगा और किस उम्र में होगा। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि विवाह किस दिशा में होगा और किस उम्र में होगा। तो दोस्तों, चैनल को देखने में पहले सबसे पहले मैं कुछ बातें आपको इस तरह बता देना चाहता हूँ कि अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो लाइफ में, अगर आपकी प्रॉब्लम कोई लाइफ में हो तो आप प्लीज़ मुझसे संपर्क कर सकते हैं और मुझे कमेंट कर दीजिए। मेरे मेल आई डी nitin549@gmail.com में। फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों, लेकिन मेरे फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब ये नहीं कि मैं आपके 15 क्वेश्चन, आप 2 क्वेश्चन पूछने के साथ साथ 15 क्वेश्चन आप लोग एक साथ पूछने लगो, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको 2-3 क्वेश्चन पूछने तो कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग तो फिर पूरा लाइन लगा देते हैं, ने मतलब 10-12 क्वेश्चन पूछ डालते हैं इकट्ठे और बार बार फ़ोन करते हैं, तो ये चीज़ गलत है दोस्तों, ऐसा नहीं हो सकता। आपको अगर अपने पर्सनल पूरा डिटेल जानकारी है तो उसको प्लीज़ पीस पेमेंट करनी पड़ेगी। वैसे तो फ्री है मेरा, आपको 2-3 क्वेश्चन बताने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन उसके बाद अगर आपको पूरा डिटेल जानकारी लेना है तो उसके लिए आपको फ़ीस पेमेंट करने की है दोस्तों। और चैनल को देखने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल के रेड बटन होगी दोस्तों। हेल्पफुल चैनल को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। आपको सारी चीज़ फ्री में ही बताई जाएगी, ऐसा नहीं है कि मुझे पैसा चाहिए, लेकिन एक बात आ रहा है, अगर वो डिटेल में जाए ना तो डिटेल जानने के लिए मेहनत पड़नी पड़ती है, आपकी कुंडलियों का प्रेडिक्शन करना पड़ता है। अब चले टॉपिक पे आते हैं, विवाह किस दिशा में होगा, किस उम्र में होगा। दोस्तों, कुंडली में विवाह में देखने के लिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट हाउस देखते हैं और 7th हाउस देखते हैं और 9th हाउस देखते हैं। अगर फर्स्ट, 7 और 9 हाउस के प्लैनेट्स का आपस में कम्बिनेशन सही हो जाए तो आपका हम आपको बता सकते हैं कि विवाह आपका किस उम्र में होगा और किस दिशा में होगा। दोस्तों, सेवा यहाँ पे मैंने मेष लग्न की कुंडली बनाई है और यहाँ पे ये देखिए, मेष लग्न की कुंडली बनाने की यहाँ से अगर गिनती चले तो यहाँ 7 नंबर पड़ता है और 7 नंबर का राशि लिब्रा तुला राशि है और तुला राशि का मालिक शुक्र होता है। अगर शुक्र, मैंने यहाँ पे शुक्र हर खाने में लिख दिया है, शुक्र हर खाने में लिखा है, तो उस हिसाब से हर खाने पे दिशा अलग हो जाएगी। तो मैं देख अगर बताता हूँ, जैसे शुक्र आपका अगर यहाँ फर्स्ट खाने में तो उत्तर दिशा में, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में हो जाएगी, यहाँ पे आपका ईस्ट साइड में हो जाएगा, यहाँ पे वेस्ट में हो जाएगा और यहाँ पे ईस्ट में हो जाएगी, यहाँ पे साउथ में, यहाँ ईस्ट वेस्ट, यहाँ नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, वेस्ट, साउथ और साउथ ईस्ट, साउथ नॉर्थ हो जाएगी दोस्तों। इस तरह से अगर अगर शुक्र बैठा होगा कहीं पे तो ये पोजीशन हम लोग फाइंड कर सकते हैं। और आपका अगर विवाह कहीं भी होना तो स्पेसिफिकली गर्ल्स की कुंडलियों में देख लीजिए कि उनका शुक्र कहाँ पे बैठा है, किस स्थान पे बैठा है। उस स्थान से अगर आप 7 हाउस आगे गिर लेंगे, जैसे शुक्र यहाँ पे बैठा है मान लीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 यहाँ पे आता है, फर्स्ट हाउस में आ रहा है शुक्र यहाँ पे, तो उस दिशा की राशि के मालिक यानी मेष का मालिक है, मेष राशि आ रही, तो मेष राशि का मालिक क्या है, दक्षिण, दक्षिण दिशा में आपका विवाह होगा। दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे कि हम लोग विवाह अपना किस एज में किस निकालें, तो आप लोग क्या कर लीजिए, अपना फर्स्ट हाउस, 7th हाउस और 9th हाउस के लॉर्ड लिख लीजिए। अगर सब यहाँ पर फर्स्ट हाउस में कोई लॉर्ड बना है बैठा है या 7th हाउस में बैठा है या 9th हाउस में, तो सबसे पहले मान लेते हैं कि हम 7th हाउस में कोई लॉर्ड बैठा है तो उसका लॉर्ड क्या है, शुक्र है, शुक्र 25 है, तो शुक्र की आयु 25 वर्ष होती है। और यहाँ पर 9th हाउस में यहाँ पर चंद्रमा बैठा है तो यहाँ पर चंद्रमा की आयु 24 वर्ष होती है, और यहाँ फर्स्ट हाउस में शनि बैठा है तो यहाँ 36 होती है। तो अगर हम इन तीनों की महादशाओं का योग निकाल लें, 25 24 36, तो यहाँ पे 85/3 और यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो 80 28.3 समथिंग होता है। तो विवाह का हम 28.5 वर्ष से लेकर 29.5 वर्ष तक हो सकता है समय, अगर इन इन लोगों के साथ कोई मेल फिलिक प्लेनेट ना बैठा हो तो आपका उम्र इतने ही एज में हो जाएगा जिसका औसत निकलेगा, और इसके साथ अगर कोई मेल फिलिक प्लेनेट रहता है तो चेंज हो जाएगी दोस्तों हैं और हम लोग रहेगा। और दोस्तों, अगर आपको कुछ और भी जानकारी पूछना हो तो दोस्तों ये मेरा रहा वीडियो, आपको किस जाने कि किस उम्र में आपका विवाह होगा और किस दिशा में होगा। दोस्तों, हेल्पफुल चैनल को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको कोई भी क्वारी हो, कुछ भी कमेंट हो, प्लीज़ आप मुझे भेज सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई शुल्क नहीं होगी, ठीक है, लेकिन आपको ज़्यादा डिटेल में जानना है तो उसके लिए फ़ीस पेमेंट करनी पड़ेगी। दोस्तों, हेल्पफुल को चैनल को लाइक करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद दोस्तों।